नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्पेशल रणतंत्र देख रहे हैं। तीन दिन हो गए। दिल जो छलनी हुआ था, उस छलनी के छेद अब वापस से भरने लगे हैं। वैसे भी एक आईसीसी ट्रॉफी हारे तो क्या हुआ बहुआ भाई, इस साल दो दो आईसीसी इवेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हार गए, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जीतने का तो अभी भी चांस है ना बाबा। वैसे भी ट्रेंड के हिसाब से यही है कि जो टीम पिछले आईसीसी इवेंट में रनर अप बनी थी, इस बार चैंपियन बन गई, तो हम भी रनर अप बनने के बाद टी20 वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वैसे इससे पहले जब एक ही साल में दो आईसीसी इवेंट हुए थे, तब इंडिया ने दूसरा वाला जीत लिया था। हम बात कर रहे हैं 2007 की, जब वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में बाहर होकर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बहुआ के खबरी लोगों ने यह कंफर्म कर दिया है कि 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक टी20 वर्ल्ड कप यूएई में खेला जाएगा। वैसे इस पर जैसे ही और खबर आएगी हम आपको बताएगी, उस पर वीडियो भी बनाएगी, लेकिन अभी इस वीडियो में हम बताने वाले कि न्यूजीलैंड के जीतने पर क्यों पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस खुश हैं, क्यों इंडिया वाले भी जो लगातार छठे आईसीसी टूर्नामेंट में नॉकआउट मैच हारे, वो हार कर भी न्यूजीलैंड की वाहवाही कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड की स्पेलिंग में जो सी आता है ना भाई साहब, उसका मतलब है कंट्रोवर्सी। एक सेकंड बहुआ भाई, न्यूजीलैंड की स्पेलिंग में सी कहां आता है? नहीं आता ना, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। न्यूजीलैंड और कंट्रोवर्सी का वही नाता है जो सलमान भाई और विवेक का है। जी हाँ, न्यूजीलैंड के बड़े से बड़े प्लेयर से लेकर छोटे मोटे प्लेयरों तक किसी की भी, कोई भी, चाहे ऑन फील्ड हो या ऑफ फील्ड, कंट्रोवर्सी नहीं आती। आती है तो बस उनके गुड मैनर्स की खबरें। हालांकि ये बात अलग है कि एक बार न्यूजीलैंड में पैदा हुए एक खिलाड़ी ने पब के बाहर दो तीन लोगों को पेल दिया था, लेकिन बेन स्टोक्स अब न्यूजीलैंड में नहीं रहते ना भाई साहब, इसलिए हम उनको इंग्लैंडी मानेंगे, न्यूजीलैंडी नहीं। खैर, न्यूजीलैंड वाले नहीं पढ़ते हैं कंट्रोवर्सी में, ये बात तो है। एक और वजह से न्यूजीलैंड वाले पूरी क्रिकेट की दुनिया में सबसे फेमस हैं, और वो है दूसरे खिलाड़ियों की हेल्प करना। चाहे वर्ल्ड कप 2015 का साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल हो, या वर्ल्ड कप 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच हो, आप न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कभी सामने वाली टीम को स्लेज करते हुए नहीं देखें। वो तो सामने वाली टीम के इमोशंस की इतनी कदर करते हैं जितनी मैंने बहुआ की नहीं की आज तक। जी हाँ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कभी भी जीतने के बाद ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं देते। आपको यकीन नहीं आता तो 3 दिन पुराना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख लो, जिसको जीतने के बाद केन विलियमसन और रॉस टेलर ने मैदान में बिना हल्ला मचाए और बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप सादगी से जीत का जश्न मनाया। विलियमसन तो रॉस टेलर से भी पहले कोहली से गले मिले, और उनका यह फोटो इंटरनेट पर वायरल भी हो गया। अब बात केन विलियमसन की चली रही है तो उनके बारे में और भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे आज कोई पूछ ले कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम क्यों कहा जाता है, आखिर कौन बचा है आज की तारीख में जेंटलमैन, तो उसे पकड़ कर केन विलियमसन को दिखा दीजिए भाई साहब। हैं, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल था, मैच एकदम फंसा हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरी के ओवरों में थोड़ी बढ़त बना ली थी। उनका एक हाथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी तक पहुंच गया था कि तभी गप्टिल का एक थ्रो बेन स्टोक्स के बल्ले को लगा और बॉल 4 रन के लिए चली गई। कोई और कैप्टन होता ना तो भैया वर्ल्ड कप फाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में बावला हो गया होता, बावला। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वालों ने तो अंपायर की गुद्दी पकड़ लेनी थी भाई साहब, लेकिन केन विलियमसन अंपायर से बात करने भी नहीं गए। उन्हें पता था कि रूल के हिसाब से ये चौका है, और उन्होंने सर झुकाकर ये फैसला कबूल किया। केन विलियमसन इस वक्त दुनिया के सबसे पसंदीदा क्रिकेटर है, और न्यूजीलैंड की टीम हर फैंस की होम कंट्री के बाद उनकी सेकेंड फेवरेट टीम है कि नहीं? वैसे आपकी इंडिया के बाद दूसरी फेवरेट टीम कौन सी है, कॉमेंट करके जरूर बताना। वैसे न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के साथ 2 मैचों की सीरीज खेलने आ रही है, उसमें आपको केन विलियमसन और बाकी न्यूजीलैंड की टीम दोबारा खेलते दिख जाएगी। फिलहाल आप इस वीडियो को YouTube पे देखते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी है उसको जरूर दबाना, नोटिफिकेशन पहुंचेगा अगला वीडियो अपलोड होने के बाद। बाकी Facebook पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना, Instagram और Telegram पे भी राम राम जरूर बोलना। अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।